कल किसान संगठनों के द्वारा करनाल नई अनाज मंडी में एक प्रोटेस्ट का कॉल है, एक महापंचायत बुलाई गई है और उसमें आज हमने इस संदर्भ में जो इनके मुख्य नेतागण थे उनसे बैठक की थी, उसमें इनकी तरफ से जो मांगे थी उस पर भी चर्चा हुई है और सरकार का जो स्टैंड था वो भी हमने इन पे बताया है। इनकी मुख्य मांगे ये थी कि जो लोग हैं जिनको 28 अगस्त को बस्ताडा टोल प्लाजा पे जो लाठीचार्ज हुआ था कानून तोड़ने की एवज में, हाईवे जाम करने की एवज में, उस लाठीचार्ज के जो घायल हैं उनको मुआवजा दिया जाए और एक किसान जिसकी ये कह रहे हैं कि अगले दिन हार्ट अटैक से मौत हो गई उसको भी मुआवजा मिले। इस संदर्भ में हमने उनको स्पष्ट बताया है कि ये सारे लोग जो हैं लो वायलेटर्स हैं, उन्होंने कानून तोड़ा है, हाईवे जाम किया है, तो किसी भी सूरत में मुआवजे के हकदार नहीं हैं। दूसरा इनका कहना था कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने लाठीचार्ज किया उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, तो वो भी हमने इनको स्पष्ट किया क्योंकि चूँकि स्वाभाविक सी बात है कि इन्होंने कानून तोड़ा, हाईवे जाम किया और हाईवे खुलवाने के लिए जो है मिनिमम बल प्रयोग जितना चाहिए था उतना किया है, तो इस प्रकार से इनकी कोई भी जो मांग है वो जस्टिफाइड नहीं है और इसीलिए हमने जब इनसे कन्वे किया तो इन्होंने अंत में इनका फैसला आया कि ये अपनी महापंचायत करेंगे। इस सिलसिले में मैं किसानों से जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे होंगे उनसे आग्रह करूँगा, एक तो शांति व्यवस्था ज़रूर बना के रखें जितनी भी गैदरिंग हो। इनकी जो कॉल है, इनका जो मांग है कि ये हाईवे जाम करेंगे या सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे, वो प्रशासन किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि हाईवे बड़ा क्रिटिकल है, जो लोग मूव करते हैं उनके मूवमेंट को किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सेक्रेटरीट में भी जो है ज़रूरतमंद लोग आते हैं तो कानूनी तौर पे बिल्कुल गलत है कि अगर इसका कोई घेराव करे। प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं, हम किसी भी कीमत पे दोनों चीज़ें नहीं होने देंगे और इसके लिए चाहे जो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो एक्शन लेना पड़ेगा वो लेंगे। लेकिन फिर भी किसान नेताओं से हमारी बात हुई है, मैं आगे उनसे आगे भी अपील करूंगा कि बातचीत, क्योंकि जो कोई भी इनकी समस्या उसका हल बातचीत से ही निकलना है, तो प्रशासन हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। इनकी जो भी मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, वो हमारे सामने रखें और मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। जो भी चीज़ जायज़ है, लीगल है, हमने इनको बताया है कि वो हम इनके लिए करने को तैयार हैं। लेकिन कोई गलत या इलीगल डिमांड करके और फिर उसके बाद अगर कोई फर्दर हाईवे जाम करने की बात करे या सेक्रेटरीट को घेराव की करने की बात करे, तो वो हम किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। साथ में जो ट्रैवल एडवाइजरी, क्योंकि एक चांस है हाईवे को उसकी व्यवस्था बहाल करने के लिए फोर्स भी डिप्लॉयड रहेगी हाईवे पे, तो एक हमने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि कल के दिन अगर ज़रूरी ना हो, गैर ज़रूरी कार्य के लिए, जो नेशनल हाईवे 44 है उसमें विशेष रूप से करनाल की सीमा में ट्रैवल करने से बचें, और अगर फिर भी किसी को ज़रूरत पड़ती है ट्रैवल करने के लिए, तो हमने एडवाइजरी में विस्तृत रूप से आज जो कि लगभग सभी प्रिंट मीडिया के न्यूज़पेपर्स में भी छपा है, कल सोशल मीडिया पे भी हमने जारी किया था, तो हमने ऑल्टरनेटिव रूट्स प्लान करके बताए हैं। उन ऑल्टरनेटिव रूट्स को लें ताकि हाईवे पे इन केस आवाजाही किसी वजह से बाधित होती है तो लोगों को दिक्कतें ना आएँ। साथ ही मैं शहरवासियों से भी आग्रह करूँगा, करनाल के जिला के रहने वाले लोग हैं, किसी भी तरीके से किसी को भी डरने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन की ये पूरी तरह से मुस्तैद है और हमारी पूरा प्रयास रहेगा कि किसी भी तरह की जो कोई इलीगल घटना है उसको हम बिल्कुल नहीं होने देंगे और उसको सख्ती से निपटेंगे। धारा 144 हमने कल के लिए लगाई है, इसमें जो भी 5 या 5 से अधिक लोग जो कानून तोड़ने की इच्छा से इकट्ठे होंगे या कोई वेपन जैसे लाठी भाला वगैरह लेकर के इकट्ठा होंगे, उनके गैदरिंग पे प्रतिबंध है और अगर इस तरीके से कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, चाहे लाइसेंस्ड हों या गैर लाइसेंस्ड हों, अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको उसको कल के लिए प्रतिबंधित होगा। इंटरनेट सेवा हाल ही के लिए करनाल जिले में हमारा बंद करने का प्रस्ताव है, पूरे जिले में, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो असामाजिक तत्व हैं वो रूमर्स फैलाते हैं, रूमर्स के जरिए जो है कई बार लोगों की भावनाएँ आहत होती हैं या उनको जो है अननेसेसरी मोबिलाइज करने की कोशिश की जाती है, तो वो चीज ना हो इस सिलसिले में हमने मैसेज आ चुके हैं 12:30 से बंद होगी, आज रात से ही बंद होगी, मैसेज आने शुरू हो चुके हैं कि 12:30 से कल 24 घंटे के लिए बंद रहेंगे। जी क्या पैरामिलिट्री फोर्स बोला है सर? बिल्कुल, जो प्रशासन की पूरी तैयारी है जिसमें हमारी पुलिस है, बाहर जिलों की भी पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स भी है, राइट
कंट्रोल फोर्स वगैरह जो जो भी हमारी तैयारी के लिए जितनी हमें पुलिस बल की आवश्यकता है वो संपूर्ण। सर जिला सचिवालय के आसपास बैंक है, प्राइवेट ऑफिस है, उनके लिए क्या निर्देश है, क्योंकि सभी लोगों के फोन आ रहे हैं कि प्राइवेट ऑफिस सभी एससीओ से बंद रखें, जो बंद रखें। देखिए किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जैसे मैंने कहा नेशनल हाईवे भी चालू रखा जाएगा और सेक्रेटरीट की का जो कार्य है वो भी चालू रखा जाएगा, किसी को भी हम कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे, अगर कोई कोशिश करता है तो उसको सख्ती से नहीं। न्यायालय से भी एक आदेश आया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर प्रोटेस्टर्स को धरना साइट की कोई आवश्यकता है तो वो अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और प्रशासन उनको पीसफुल धरने के लिए जगह दे सकता है। तो इस तरह की अभी तक बात सामने नहीं आई है, अगर उनकी तरफ से कोई बात आती है तो न्यायालय के आदेश अनुसार उस पर विचार किया जाएगा। मैं मीडिया साथियों से भी आग्रह करूंगा क्योंकि लो एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, व्यवस्था है और काफ़ी डेलिकेट सिचुएशंस होती हैं, ऐसे में जिम्मेदारी पूर्वक रिपोर्टिंग मीडिया के तरफ से हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, क्योंकि ये जो मामले इतने डेलिकेट होते हैं कि एक भी फॉल्स न्यूज़ या रूमर्स जो है वो सारी सिचुएशन को ख़राब कर सकते हैं, इसलिए मीडिया के आज करनाल के सभी रेस्पॉन्सिबल साथी यहाँ पे आए हुए हैं। मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि कोई भी रूमर्स ना चलाएं और लाइव कवरेज के चक्कर में कई बार हम जो है इस तरह की इन्फॉर्मेशन लोगों में देते हैं जिससे लोगों की भावनाएँ आहत हो सकती हैं, तो वेरीफाई करने के बाद ही, प्रशासन से वेरीफाई करने के बाद ही या जिस भी सोर्स से जिसको जो आपको ठीक लगे उससे वेरीफाई करने के बाद ही सूचनाएं चलाएं ताकि लोग आवेश में आकर के लो एंड ऑर्डर तोड़ने संबंधी कोई कदम ना उठाएं। जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो कमर्शियल ग्रुप्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो सेक्रेटरीट के आसपास के हों, अगर आपको बहुत आवश्यक ना हो तो आप कल के लिए बंद रख सकते हैं क्योंकि उसमें आपके एम्प्लॉयज़ को कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंस हो सकती है। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी भी तरीके से प्रशासन की पूरा प्रयास है कि किसी भी तरीके से लोगों को किसी तरीके से परेशान नहीं है। सबकी मूवमेंट्स चालू रहेगी, सारे स्कूल्स खुले रहेंगे, इस प्रकार का कोई भी जो है आदेश या किसी डायरेक्शंस प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई हैं। अगर समय रहते आगे कुछ इस तरह की डायरेक्शंस आती हैं तो हम जो हमारा पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट है उसके थ्रू समुचित रूप से प्रेस नोट सभी मीडिया के साथियों को दिलवाएंगे और प्रशासन के जो सोशल मीडिया साइट्स और जो ट्विटर और फेसबुक अकाउंट से वहां पे सर, किसानों की मांगों पे से कोई भी कानून तोड़ेगा तो उस पे उसको कानून को सख्त तोड़ने वाले को सख्ती से नोटें। सर डायवर्ट किए गए जो इमरजेंसी व्हीकल एम्बुलेंसेस हैं उनको जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं वो अगर सीधे रास्ते से आना चाहते हैं बिल्कुल आए, जैसा हमने कहा हम हाईवे की कार्रवाई किसी भी कीमत पे नहीं रोकने देंगे, फिर भी 1% चांसेस हैं कुछ समय के लिए अगर पुलिस फोर्स और प्रदर्शनकारियों में झड़प होती है तो हो सकता है हाईवे कुछ समय के लिए बंद रहे, इसलिए एडवाइजरी के तौर पे हमने रूट डाइवर्जेंस की ड्यूटीज लगाई। की कोई बात नहीं है, अगर किसान संगठनों की तरफ से जो भी मांगे आती है जैसे मैंने कहा जब भी मांगे आएंगी उन पे बैठ कर बातचीत किया जाएगा और अगर बातचीत से जो हल निकलेगा वो हम ऐसे लोगों को क्या डिटेल क्यों नहीं दिया, जैसे भी आवश्यकता पड़ेगी कानून व्यवस्था को बहाल रखने के लिए व्यवस्था की। आप कह रहे हैं कि धारा 144 लगा दी गई है और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि अगर शांति से महापंचायत करना चाहते हैं तो करें, जब धारा 144 लगा जो भी लोग कानून व्यवस्था तोड़ने के लिए अगर आप धारा 144 का आदेश ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि 5 या 5 से ज्यादा लोग अगर कानून तोड़ने की दृष्टि से इकट्ठे होते हैं तो जिस समय हमें ये लगा कि ये कानून तोड़ रहे हैं उस तब समय उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और 144 के तहत कार्रवाई।